नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड हो या फिर सीधे शेयर बाजार में निवेश, आपको कई तरह के चार्जेस अदा करने पड़ते हैं। तो निवेश से पहले होने वाले मुनाफे पर आपको कैपिटल गेन्स टैक्स भी देना पड़ता है। निवेश से पहले अगर आप इन चार्जेस और टैक्स देनदारी के बारे में समझ लें, तो आप न सिर्फ बेहतर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर पाएंगे बल्कि मुनाफा भी ज्यादा कमा पाएंगे। तो निवेश में लगने वाले चार्जेस और टैक्स देनदारी को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं खास मेहमान। हमारे साथ है आज क्रेडेंट इन्फो एज के को फाउंडर विवेक बजाज। विवेक, आपका बहुत स्वागत है आज मनी गुरु में। तो मनी गुरु में आज हम क्या खास चर्चा करने जा रहे हैं, उस पर सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में खास बताएंगे इक्विटी निवेश पर लगते हैं कितने चार्जेस, इक्विटी में निवेश पर क्या है टैक्स देनदारी, शेयर मार्केट में एंट्री करनी है तो कैसे करें, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या है अंतर। तो इन तमाम बारीकियों के लिए हम रुक कर लेते हैं हमारे आज के खास मेहमान विवेक का। विवेक, सबसे पहले हम यही समझना चाहेंगे आपसे, जो लोग स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी निवेशित हैं या फिर एंट्री करने वाले हैं, या फिर जो लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, वो समझना चाहते हैं कि दरअसल ये इक्विटी में टैक्स का फंडा है क्या, कितने अलग अलग तरीके के चार्जेस लगते हैं, ये हम आपसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि जो चार्जेस होते हैं वो लगते कब हैं। स्वाति, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। स्वाति, जब आप चार्जेस की बात करते हैं तो अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर है इस मार्केट के अंदर में, और आपको सबको पैसे देने पड़ेंगे उनके सर्विसेज को लेने के लिए। तो मेजर चार्जेस अगर देखा जाए तो उसमें एक्सचेंज का चार्ज है, उसमें ब्रोकर का चार्ज है, और ब्रोकर के चार्ज पे एक GST भी लगता है, और फिर गवर्नमेंट की तरफ से STT है तो जो लोगों को पे करनी पड़ती है, और डिपेंड करता है आप किस शहर से बिलोंग करते हैं, उसके हिसाब से आपको स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस भी भरने पड़ते हैं। तो ये सारे चार्जेस जब आप ट्रेड तो करते हैं तब ये सारे चार्जेस आपको बियर करने पड़ते हैं। तो स्टॉक में निवेश पर ये कई चार्जेस लगते हैं जिनके बारे में आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। बेसिकली जब आप शेयरों की खरीद बिक्री करते हैं तो अलग अलग तरीके के चार्जेस जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो आपको देने पड़ सकते हैं। इक्विटी पर मुनाफे पर टैक्स लगता है, कौन सा टैक्स लगता है इस पर भी हम चर्चा करेंगे, और स्टॉक पर निवेश पर भी कई चार्जेस लगते हैं। कुछ चार्जेस में सबसे पहले ब्रोकरेज चार्ज, स्टैम्प ड्यूटी चार्ज, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन चार्ज जिसको STT भी कहा जाता है, सर्विस टैक्स, उसके अलावा जो टैक्स लगता है उनमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स शामिल हैं। तो इन तमाम चार्जेस और टैक्सेस पर अब हम विस्तार से विवेक आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ब्रोकरेज चार्जेस, ये कभी भी इक्विटी में कब लगता है, ये होता क्या है और इसकी देनदारी कैसे बनती है? जी, तो जब आप किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करते हैं तो जो ब्रोकर है जिसके थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसको आपको एक चार्जेस देने पड़ेंगे। अगर देखा जाए तो दो कैटेगरी ऑफ ब्रोकर सभी मार्केट में अवेलेबल है। एक जो फुल सर्विस ब्रोकर है जो आपको रिसर्च सपोर्ट भी देते हैं, जो आपको रिलेशनशिप मैनेजर भी चार्जेस है, और एक है डिस्काउंट ब्रोकर्स जो आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, जो आपको ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म दे रखे और उनके लिए आप उनको चार्जेस पे करते हैं। बहुत स्वाभाविक सी बात है कि दोनों के अंदर में चार्जेस में डिफरेंस होगा। फुल सर्विस ब्रोकर के चार्जेस करीबन 0.1% से 0.5% तक होते हैं और वो टर्नओवर से लिंक्ड होते हैं, और जो डिस्काउंट ब्रोकर्स है वो टिपिकली चार्जेस पर ट्रेड के बेसिस पे करते हैं, जो कि 10 रुपये से लेके 50 रुपये पर ट्रेड किसी भी क्वांटम ऑफ ट्रेड के हिसाब से वो चार्जेस चार्ज करते हैं। तो हम बात यहाँ पर कर रहे हैं फुल सर्विस ब्रोकर की और डिस्काउंट ब्रोकर की। यहाँ पर फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर, कोई भी जो निवेशक है, जो वो शेयर बाजार में निवेशित है, क्या उनको दोनों ही तरीके के ब्रोकर चार्जेस देने पड़ते हैं या फिर इनमें से एक लागू होता है और कब लागू होता है? जी, डिपेंड करता है कि आप किस तरह का बाजार में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। अगर आप बहुत एक्टिवली ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ब्रोकरेज एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट हो सकता है, तो जनरली आप डिस्काउंट ब्रोकर के पास में जाते हैं, तो जहां पर चार्जेस पर ट्रेड बहुत कॉस्ट इफेक्टिव बन जाता है। और अगर आप उतना एक्टिव ट्रेड नहीं करते हैं और आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं या पैसिव ट्रेडिंग करते हैं, तब आपको सपोर्ट काफ़ी चाहिए, तो आप ट्रेडिशनल ब्रोकर्स के पास जाते हैं, क्योंकि वो आपको रिसर्च देते हैं, आपको रिलेशनशिप मैनेजर देते हैं। तो जनरली
एक क्लाइंट एक ही कैटेगरी और ब्रोकर के साथ में जुड़ा हुआ रहता है और अकॉर्डिंगली ट्रेड्स के चार्जेस पे करता है। क्या ऐसा पॉसिबल है विवेक कि आप अपने इस पूरे इन्वेस्टमेंट के टेन्योर में या कार्यकाल में अपना ब्रोकर बदल लें? और अगर जब आप अपना ब्रोकर बदल लेते हैं तो क्या उसके चार्जेस में कुछ बदलाव होते हैं? मतलब एक ब्रोकर से जब आप दूसरे ब्रोकर की तरफ जाते हैं तो क्या चार्जेस में कुछ अंतर है, या एक ब्रोकर जब छोड़ रहे हैं दूसरे ब्रोकर पर जाते हैं तो वो चार्ज जो आपने पे किया है वो आपको वापस मिल सकता है? ये कुछ सवालों का जवाब दीजिए। जी स्वाति, सो ऐसा कोई नहीं है कि आप एक ही ब्रोकर के साथ में अपना जीवन कर सकते हैं। आप एक पॉइंट पे भी मल्टीपल ब्रोकर्स के साथ काम कर सकते हैं, तो कोई एक ज़रूरी नहीं कि एक ही ब्रोकर के साथ काम करना है। दूसरी बात यह है कि हम फ्री इकोनॉमी में रहते हैं, तो स्वाभाविक है कि कंपटीशन के कारण नए नए ब्रोकर्स आपको अप्रोच करते हैं और चार्जेस कम देने का प्रपोजल करते हैं। और इन दिनों जबकि डिस्काउंट ब्रोकर्स बहुत ही बड़ा मार्केट शेयर मार्केट में अब लेते जा रहे हैं, वहाँ पर कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, जहाँ पर हर ब्रोकर चाह रहा है कि आप उसके साथ में काम करें। तो आपके ऊपर है कि आप कितना अच्छे से नेगोशिएट कर सकते हैं, और आपका नेगोशिएशन डिपेंड करेगा कि आप कितना ट्रेड करते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत ट्रेड करते हैं तो शायद नेगोशिएशन की कोई रिक्वायरमेंट ना हो, बट अगर आप बहुत ट्रेड करते हैं तो आपको नए नए ब्रोकर मिलते रहेंगे जो आपको नया नया डील्स देते रहेंगे। जिससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपसे उन निवेशकों के लिए जानना चाहूंगी जो अपने आप को जागरूक करना चाहते हैं, अवेयरनेस चाहते हैं, एक सही ब्रोकर की पहचान कैसे की जाए? स्वाति, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस ब्रोकर का बैलेंस शीट कितना स्ट्रांग है, बिकॉज अल्टीमेटली आप अपना पैसा उस ब्रोकर को दे रहे हैं, वो आपका कस्टोडियन ऑफ मनी है। तो उसका बैलेंस शीट को समझना ताकि आपका पैसा कहीं ना कहीं डूबे नहीं। और उस ब्रोकर का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या ब्रांड है, और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और उन सर्विसेज का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। तो कई पुराने ब्रोकर्स हैं मार्केट के अंदर में जिनका 20 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट का, तो वो एक अलग कैटेगरी ऑफ वैल्यू ऐड करते हैं, उनमें आपको सिक्योरिटी ज़्यादा नज़र आती है। और जो नए मॉडर्न जनरेशन के ब्रोकर्स हैं उनका बैलेंस शीट रिलेटिवली कम है, तो वहाँ आपको शायद उतना कैपिटल ना रखना पड़े क्योंकि आपको रिस्क ज़्यादा वहाँ नज़र आएगा। बट टोटली डिपेंड करता है कि आप कैसा मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ लोग 50,000 के मार्जिन से काम करते हैं तो उनके लिए कैपिटल प्रोटेक्शन इतनी बड़ी बात नहीं है, बट जो लोग बड़े सीरियस इन्वेस्टर्स हैं जिनकी 1-2 करोड़ से ज़्यादा कैपिटल ब्रोकर के पास है, उनको डेफिनेटली ब्रोकर का बैलेंस शीट देखना चाहिए और ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए कि कहीं वो किसी भी तरह का डिफॉल्ट नहीं करके बैठे। तो सबसे जरूरी है जब भी आप ब्रोकर को ढूंढे उनका ट्रैक रिकॉर्ड जरूर चेक कीजिए, और एज ए निवेशक आपका हक है कि आप ये जागरूक रहें और ये आप जानें कि आपका जो ब्रोकर है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उसका पिछला जो रिकॉर्ड है वो कैसा रहा है। और इनके जो अलग अलग चार्जेस है उस पर अभी हमने चर्चा की विवेक से। अब हम अगले जो कॉम्पोनेंट है उसकी तरफ आते हैं, वो है सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। वो भी शेयर की खरीद बिक्री पर वसूला जाता है, इसकी देनदारी कैसे बनती है, कब ये लगता है, इसके डिटेल्स बताइए। जी, तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एज मैंने कहा कि ये तो गवर्नमेंट का एक लिवी है जो आपको ट्रेड देना पड़ता है जब आप ट्रेड करते हैं। तो अब आप ट्रेड अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में कर सकते हैं और अलग अलग अवधि के लिए कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी कैश मार्केट की मैं बात करूँ, तो अगर आप कैश मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और इंट्राडे के लिए कर रहे हैं, इंट्राडे को मैं समझाता हूँ कि इंट्राडे मतलब हुआ कि आज मैंने लिया और आज ही मैंने बेच दिया, एंड ऑफ द डे मैं पोजीशन कैरी करके नहीं जा रहा हूँ, तब आपको 2,500 करोड़ यानी 0.025% के हिसाब से, 2,500 रुपया पर करोड़ के हिसाब से सिर्फ सेल साइड के अंदर में आपको एसटीटी देना पड़ेगा। तो मतलब आपने लिया तब आपको एसटीटी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जब आपने बेचा सेम डे तब आपको 2,500 रुपया 1 करोड़ के हिसाब से आपको एसटीटी पे करना पड़ेगा। यही कैश मार्केट में अगर आप डिलीवरी ले लेते हैं, मतलब आप पोजीशन घर लेके जाते हैं और ब्रोकर से आपने डिलीवरी ले लिया है, तब आपको 10,000 रुपया करोड़ के हिसाब से आपको एसटीटी पे करना पड़ेगा। तो ये बात हुई कैश मार्केट की। अगर कोई वायदा बाजार में काम कर रहा है, से फ्यूचर्स में कोई काम कर रहा है, तो फ्यूचर्स के अंदर में चाहे आप इंट्राडे कर रहे हैं चाहे आप पोजीशन लेके जा रहे हैं, आपको 1,000 रुपया करोड़ के हिसाब से एसटीटी भरना पड़ेगा, चाहे आप और वो भी खाली सेल साइड में। तो बाय साइड में आपको कोई एसटीटी भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पे, लेकिन सेल साइड में आपको 1,000 रुपया करोड़ के हिसाब से
भरना पड़ेगा। और अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो ऑप्शंस के अंदर में अगर आप इंट्राडे करते हैं या आप पोजीशन भी कैरी करते हैं तो 5,000 रुपया करोड़ के हिसाब को आपको एसटीटी भरनी पड़ेगी, वो भी सेल साइड में। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि क्योंकि वायदा बाजार का एक्सपायरी डेट भी होता है तो महीने के एंड में जब एक्सपायरी आएगी तो वो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज हो जाता है। इसका मतलब वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक प्रॉपर पोजीशन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप वो कन्वर्ट करते हैं तो आपको 12,500 रुपया के हिसाब से पर करोड़ के हिसाब से आपको एसटीटी भरनी पड़ेगी। तो जनरली एसटीटी जो है की बात हुई जनरली सॉरी मैं इसको एक पॉइंट क्लेरिफाई करता हूँ, जनरली एसटीटी जो है वो कलेक्ट ब्रोकर ही करता है। आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट जो आपके ट्रेड को क्लियरली दिखाता है उसके अंदर में कितना एसटीटी कैलकुलेट हुआ है वो ब्रोकर आपको क्लियरली दिखा देता है और फिर ब्रोकर जो है वो एक्सचेंज के थ्रू उसको गवर्नमेंट को जमा कर देता है। ओके ये बात हुई एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स की। अब मैं स्टैम्प ड्यूटी की तरफ आती हूँ, तो स्टैम्प ड्यूटी किस तरह से पे किया जाता है और क्या अलग अलग स्टेट्स में अलग स्टैम्प ड्यूटी लगती है जब हम शेयर के ट्रांसफर की बात करते हैं, तो स्टैम्प ड्यूटी का गणित क्या कहता है? सी स्टैम्प ड्यूटी एक सब्जेक्ट है जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो हर स्टेट के पास में राइट है कि वो अपना अपना स्टैम्प ड्यूटी रेट डिसाइड कर सकता है। तो स्टैम्प ड्यूटी का कलेक्शन इज फॉर फ्रॉम द ब्रोकर, तो ब्रोकर की जिम्मेदारी होती है कि वो क्लाइंट के एड्रेस के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करेगा और उस पर्टिकुलर शहर में जिस शहर में क्लाइंट है और जिस शहर में जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से ब्रोकर उस पर्टिकुलर शहर में स्टैम्प ड्यूटी रेलिवेंट अथॉरिटीज़ को जमा कर देगा। अब रेट अलग अलग है स्वाति, जैसे महाराष्ट्र में रेट अगर क्लाइंट का काम करते हैं तो 200 रुपया करोड़ है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर में, अगर आप खुद का काम करते हैं तो 100 रुपये करोड़ है। यही दिल्ली के अंदर में अलग रेट है, यही चेन्नई के अंदर में अलग रेट है, तो सब शहर ने अपना अपना रेट डिफाइन कर रखा है। एक बहुत अच्छी बात है कि इन दिनों बात चल रही है कि एक कॉमन रेट हो जाएगा, एक सेंट्रलाइज स्टैम्प ड्यूटी स्ट्रक्चर की गवर्नमेंट बातचीत कर रहा है और एक प्रपोजल भी आया है, तो वो होने के बाद में काफ़ी हद तक ये भी यूनिफॉर्म हो जाएगा और जैसे एसटीटी एक्सचेंज कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को देता है वैसे ही स्टैम्प ड्यूटी भी एक्सचेंज कलेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट को दे देंगे। बट अभी ब्रोकर की जिम्मेदारी है कि क्लाइंट का एड्रेस के हिसाब से ही वो स्टैम्प ड्यूटी जमा करते हैं। तो मणिगुरु में आज हम बात कर रहे हैं इक्विटी पर टैक्स से गणित की, अलग अलग चार्जेस और अलग अलग टैक्सेस जो आपको इक्विटी लेन देन में करने पड़ते हैं अगर आप शेयर बाजार या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो ये आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। हमारे साथ आज हैं ट्रेडेंट इन्फोएज के को फाउंडर विवेक बजाज। विवेक, अब हम आपसे जानना चाहेंगे दो बेहद ही चर्चित और पॉपुलर टैक्सेस के बारे में, जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इसके देनदारी कैसे बनते हैं, हालांकि जब ये वापस आया था तो काफी ज्यादा हो हल्ला भी मचा था, लेकिन है ये बरकरार। तो एसटीसीजी और एलटीसीजी कब लगता है? जी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स तब आएगा जब आप किसी भी इक्विटी एसेट को आप लेते हैं और एक साल के पहले बेच देते हैं, तो उसमें आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। लेकिन मैं इसमें एक बात आपको कर देता हूं कि अगर आप कैश मार्केट में या डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग का मतलब हो गया कि कैश मार्केट में आप लिया बेचू रोज कर रहे हैं इंट्राडे बेसिस पे और डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो स्पेकुलेटिव इनकम के रूप में कंसिडर किया जाएगा, वो कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा। तो उसमें आपका टैक्स इंसिडेंट विल बी अकॉर्डिंग टू योर टैक्स स्लैब जो आपके ऊपर में आधारित है। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप शेयर लिए हैं और उसको एक साल के पहले बेच दिए हैं, तो उसमें आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा जो कि करीबन 15% है आज की रेट में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो अगर आप अपना पोजिशन को एक साल के बियॉन्ड रखते हैं और उसमें 1,00,000 से कम कमाई करते हैं तो आपको कोई टैक्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन आप 1,00,000 से ज़्यादा अगर कमाई किए हैं क्यूमुलेटिवली सारा इन्वेस्टमेंट्स को मिला के, अगर एक साल के बाद आपने उसको बेचा है और 1,00,000 से ज़्यादा आपने कमाई की है, तब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा जो कि 10% है अगर आप इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं लेते हैं तो,
और 20% है अगर आप इंडेक्सेशन बेनिफिट लेते हैं तो। मैं जस्ट इन इंडेक्सेशन बेनिफिट के बारे में बता देता हूं कि गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हर साल का इन्फ्लेशन इंडेक्स एक बनाया है, तो जब भी आप किसी भी टाइम पे शेयर लेते हैं उस साल का जो इंडेक्स है और जब आप बेचते हैं उस साल का जो इंडेक्स है, वो इंडेक्स के कारण आपको जो बेनिफिट मिलना चाहिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में, उसका बेनिफिट आपको गवर्नमेंट देती है जब आप 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देने को रेडी हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल वो लोग 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही जनरली भरते हैं अगर उनका 1,00,000 से ज्यादा का कमाई है ओवरऑल बेसिस पे। तो एसटीसीजी और एलटीसीजी का हमने जो फंडा है वो तो जान लिया, लेकिन दो और ऐसे चार्जेस और टैक्स जिसके बारे में मैं आपसे संक्षिप्त में जानने चाहती हूं, अब वो है सर्विस टैक्स और ट्रांजैक्शन चार्जेस, क्या है दोनों? जी, सर्विस टैक्स तो अपना जीएसटी है जो कि ब्रोकरेज के ऊपर में लगता है, तो जो भी ट्रांजैक्शन चार्जेस एक ब्रोकर आपके ऊपर चार्ज कर रहा है, वो आपको सर्विस दे रहा है, तो आपको एक नेचुरल फॉर्म में जीएसटी भरना पड़ेगा उस चार्जेस के ऊपर में। और दूसरा ट्रांजैक्शन चार्जेस बेसिकली जो एक्सचेंज आपको सर्विस दे रहा है उसके चार्जेस आपको भरने पड़ेंगे। एक्सचेंज, दोनों एक्सचेंज अलग अलग हैं, दोनों के अपने अपने चार्जेस के स्लैब्स हैं, बट मोर ऑर लेस 300 रुपया पर करोड़ के हिसाब से एक्सचेंज आपको चार्ज करता है, और जो एसेंशियली एक ब्रोकर आपको चार्ज करेगा। और आप अगर कॉन्ट्रैक्ट नोट को देखें उसके अंदर में क्लियरली डिफाइंड होता है कि कितना ट्रांजैक्शन चार्जेस है, कितना जीएसटी है और कितना एसटीटी है, जो कि ब्रोकर इवेंचुअली एक्सचेंज को दे देगा और एक्सचेंज एसटीटी उसमें से गवर्नमेंट को पहुंचा देगा। तो ये तो बात हुई तमाम चार्जेस और टैक्सेस की जो कि इक्विटी के लेन देन में आपके सामने जरूर आएंगे, इनसे आपका सामना होगा, तो इसके बारे में जानकारी आपको अच्छे से मिल जाए तो इसलिए आप बन सकते हैं समझदार निवेशक। लेकिन एक और बात, अब अगर आपको शेयर बाजार में एंट्री करनी है, अभी आपने किया ही नहीं है एंट्री, तो उसके लिए आपको किन बातों का ध्यान में रखने की जरूरत है वो अब हम जान लेते हैं विवेक से। विवेक, कई लोग हमसे पूछते हैं कि हमें शेयर बाजार में एंट्री करनी है, इनफैक्ट वो वाले व्यूअर भी पूछते हैं जो कि म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी वो निवेश कर रहे हैं एसआईपी के जरिए, वो कह रहे हैं कि हम शेयर बाजार में अब आना चाहते हैं, वहां पर जरा किस्मत आजमाएं। तो सबसे पहले शेयर बाजार में अगर किसी को एंट्री करनी है तो शुरुआत कैसे करते हैं? स्वाति, मैं एक बात बोलूंगा कि आपने ये बात सही कही कि इन दिनों म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स आया है, बट आप देखो तो 45% म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है अल्टीमेटली शेयर बाजार में है। तो मैंने भी ये देखा है कि काफ़ी लोगों का अब झुकाव शेयर बाजार की तरफ आ रहा है, एटलीस्ट लोग सीखना चाहते हैं। तो मेरी पहली राय ये है कि आप सीखिए, बिकॉज शेयर बाजार एक ऐसा कॉम्प्लेक्स टर्म है जिसको सीखने में थोड़ा समय लगता है, तो आप पहले तो सीखिए। और ऐसे कई YouTube चैनल्स है, कई इनिशिएटिव्स है जो आपको अच्छे से सिखा सकता है। उसके बाद जब आप सीख रहे तो पैरेलली अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस आप चालू करिए। अगर आपके पास में आधार कार्ड है, आपके पास में पैन कार्ड है और आपका कोई बैंक अकाउंट है जो पिछले 6 महीने से एक्टिव है, आप ये डॉक्यूमेंट्स यूज़ करके किसी भी ब्रोकर के यहाँ पर अकाउंट खोल सकते हैं और थोड़ा पैसा डाल के आप मार्केट में अपनी थ्योरीज जो आप सीख रहे हैं उसको टेस्ट कर सकते हैं। और इसके लिए क्या जरूरी है किसी भी निवेशक को, क्योंकि हम तो ये नहीं कहेंगे कि कोई भी निवेशक पहले ही दिन एकदम परफेक्ट हो जाए और शेयर बाजार में एकदम फर्राटे से निवेश करना शुरू कर दे या ट्रेडिंग करनी शुरू कर दे। निवेश के लिए क्या जरूरी है किसी भी एक नए इन्वेस्टर को शेयर बाजार के लिए? स्वाति, निवेश और ट्रेडिंग ये दो अलग अलग चीज़ें हैं और ये समझना बहुत ज़रूरी है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं लोगों को पिछले 10 साल से सिखा रहा हूँ ये चीज़, और मुझे समझ में आ रही है कि प्रॉब्लम वहीं हो रही है जहाँ पर ये दोनों चीज़ों को क्लब कर दी जा रही है। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो मार्केट का एक्शन को बहुत शॉर्ट टर्म बेसिस पे आपको ट्रैक करना पड़ेगा, तो उसमें कुछ ऐसे स्टडीज़ हैं जो आपको शॉर्ट टर्म मार्केट एक्शंस को इवैल्यूएट करने में आपको समर्थ बना सकती है, जिसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन आप अगर निवेश कर रहे हैं, इसका मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा किसी स्टॉक के अंदर में डाल रहे हैं, तब आपको उस स्टॉक का एक वैल्यू समझना पड़ेगा, एक फंडामेंटली उस स्टॉक के अंदर में क्या निवेश करना चाहिए कि नहीं वो समझना पड़ेगा। तो ये दोनों फील्ड ऐसे इंडिपेंडेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके ये दोनों का नॉलेज अगर आप गेन करते हैं तो आप
ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, बट मेरी राय ये रहेगी कि आप शुरू में कोई एक ही चीज को पकड़िए और उसमें 6 महीने तक कम से कम मेहनत कीजिए। वो 6 महीने का मेहनत के बाद में आपको ये समझना चालू हो जाएगा कि मेरे लिए क्या सही है, बिकॉज हर इंडिविजुअल यूनिक है, हर इंडिविजुअल का DNA स्ट्रक्चर यूनिक है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत पैसा कमा ले रहा है और वही स्ट्रैटेजी से शायद आप भी पैसा कमा पाए। तो 6 महीने तक आई थिंक मेरी राय ये कि आप एक्सप्लोर करिए कि क्या क्या है मार्केट में, सीखिए चारों तरफ से, और कम से कम 1 से 1.5 साल आपको लगेगा चीज़ों को अपने हाथ में आने में, और उसके बाद ही आप एक फील्ड चूज कर सकते हैं कि मुझे ट्रेडर ही बनना है, मुझे इन्वेस्टर ही बनना है। और हर फील्ड के लिए वो रेलेवेंट स्टडी आपको सीखना बहुत बहुत ज़रूरी है। हमसे एक दर्शक भी ये पूछ रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में तो कम से कम 5-6 साल इन्हें हो गए हैं निवेश करते हुए, अब स्टॉक मार्केट में मन है एंट्री कर लें, तो जैसा अभी आप कह रहे थे कि अब ट्रेडिंग करनी है या आप एज एन इन्वेस्टर एंट्री करना चाहते हैं, तो इनके लिए आप क्या राय देंगे? स्वाती, मेरा राय एक है कि सबसे पहले आप अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को समझिए कि आपके अराउंड में, आपके निजी जीवन में कुछ ऐसी कंपनीज है जिनके प्रोडक्ट्स को आप बहुत रेगुलरली यूज करते हैं, कि आप सुबह उठेंगे तो आप सबसे पहले कुछ करते हैं, फिर उसके बाद में आप दिनचर्या में आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, फिर आप दिन में कुछ ना कुछ यूज़ करते हैं, रात को आप कुछ यूज़ करते हैं, तो आप देखिए कि कौन सा एक प्रोडक्ट है आपके जीवन में जिसको आप काफ़ी यूज़ करते हैं और उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी कौन है। सबसे पहला राय मेरा ये रहेगा कि आप उस कंपनी को पकड़िए, क्योंकि आपको पता है कि वो कंपनी का प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट से आप सेटिस्फाइड हैं, इसीलिए आप यूज़ कर रहे हैं। पहला वो कंपनी पकड़िए, हर 3 महीना एक एक कंपनी ऐड करिए। इस तरह से करते करते आप 5 कंपनी ओवर अ पीरियड ऑफ 1 साल से 2 साल आप उनको एनालाइज करिए। जब तक आप अपने एनालिसिस का दायरा लिमिटेड स्टॉक्स में नहीं करते हैं, और लिमिटेड स्टॉक्स वही होना चाहिए जिसकी समझ आपको आ जाए, जब तक आप वो नहीं करेंगे आप ओपन तीर मार रहे हैं जिसका सही निशाना नहीं लगेगा। तो मेरी राय यही है कि पहले 5 स्टॉक्स पे आप स्टडी करिए, करीबन 1 से 1.5 साल लगेगा चीजों को समझने में, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपना पैसा डालिए और धीरे धीरे जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आए वैसे वैसे अपने पैसे की अवधि को बढ़ाते जाइए। विवेक, ये बताइए कि शेयर खरीदने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या चेक करें? शेयर खरीदने से पहले जैसे मैंने कहा कि उस कंपनी क्यों खरीद रहे हैं आप, कहीं ना कहीं उसका प्रोडक्ट से आप कन्विंस है इसलिए आप खरीद रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी मैनेजमेंट से आप कन्विंस है इसीलिए आप खरीद रहे हैं। मैं आपको कभी ये राय नहीं दूंगा कि किसी ने आपको बोल दिया इसीलिए आप खरीद रहे हैं, मैं इसके एकदम फेवर में नहीं हूं। ठीक है, लोग बोलेंगे, हम सुनेंगे सबकी, लेकिन करेंगे हम अपनी। तो इसी के लिए हमने एक्चुअली स्टॉकेज ऐप की भी स्थापना की, जिसमें हमने इतना पावर दे दिया लोगों को कि वो अपना खुद का होमवर्क कर सकते हैं। तो ये पैरामीटर्स, जिस पैरामीटर्स पे आपको स्टडी करना चाहिए हर स्टॉक को, वो पैरामीटर्स आपको समझना पड़ेगा, उसके लिए सीखना पड़ेगा, और उसके बाद में आप अपने खुद का एक फ्रेमवर्क बना लीजिए कि मेरे ये 5 पैरामीटर्स है जिनको बेस करके मैं किसी भी स्टॉक का इवैल्यूएशन करूंगा और फिर उसके बाद में उस स्टॉक के अंदर में थोड़ा थोड़ा पैसा डालूंगा। जी ओके, तो बेसिकली एक जागरूक इन्वेस्टर बनना हर किसी के लिए जरूरी है। आप किस मकसद से जा रहे हैं आगे वाले निवेश की तरफ, चाहे फिर वो शेयर बाजार हो या फिर म्यूचुअल फंड का संसार हो, ये क्लैरिटी होना बेहद जरूरी है। और इसकी बारीकी समझाने के लिए विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज मनी गुरु में हमारे साथ शामिल होने के लिए। थैंक यू स्वाति। तो आज के शो में बस इतना ही, आपसे एक बार फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, और बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ज़ी बिज़नेस।